Hello everyone, my name is Arpit. I have over 6 months of experience in TCS. So in this video, I'll be sharing how to clear the PR exam on your first attempt, along with my personal experience to get the complete understanding about the exam. So without any further delay, let's get started. तो गाइस मैं आपको एक बेसिक सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं पीआरए क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसका सिलेबस क्या होता है, हमें उसको प्रिपेयर कैसे करना होता है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इस एग्जाम के लिए जाननी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड देखें जिससे कि आप इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप ना करें। फाइन, सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि पीआरए एग्जाम क्या होता है और इसको कौन देता है। तो पीआरए का मतलब है हमारा प्रोजेक्ट रेडीनेस असेसमेंट। तो पीआरए एग्जाम टीसीएस इसलिए कंडक्ट करवाता है ताकि वो आपको प्रोजेक्ट के लिए रेडी कर सके। फाइन, क्योंकि हम टीसीएस में जाते हैं, किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, तो उसके लिए हमें पहले से रेडी रहना पड़ेगा। फाइन, तो अब बात करते हैं कि इसको कौन देता है। तो पीआरए एग्जाम वो लोग देते हैं जिनको टीसीएस की तरफ से ऑफर लेटर मिल चुका होता है और वो आईएलपी एलिजिबल हो चुकी होती है। उसमें होता क्या है कि आपके पास टीसीएस एक्सप्लोर की एक वेबसाइट होती है, वहां पर जाके कुछ कोर्सेस करने पड़ते हैं। कुछ कोर्सेस करने के बाद आपको वहां से एक पीआरए के लिए लिंक्स भी वहीं पे आपको मिलती है कि आपको जहां से फिलअप करना पड़ता है सारे फॉर्म्स। फाइन, पीआरए एग्जाम के लिए। तो ये एक बेसिक सी चीजें थी कि पीआरए एग्जाम क्या होता है और उसको कौन देता है। तो सिंपल सा मतलब है कि पीआरए एग्जाम वही देगा जिसके पास टीसीएस का ऑफर लेटर होगा। फाइन, तो गाइस अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो बेनिफिट नंबर वन, दैट इज बोनस। अगर हम टीसीएस का एग्जाम 80 प्लस से क्लियर करते हैं तब हमें टीसीएस की तरफ से 60,000 रुपीज का बोनस मिलता है। अगर हम इसका एग्जाम 55 प्लस से क्लियर करते हैं तब हमें 40,000 रुपीज का बोनस मिलता है टीसीएस की तरफ से। और ये बोनस हमें तब मिलता है जब हम टीसीएस को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बोनस हमारी फर्स्ट सैलरी या सेकेंड सैलरी या थर्ड सैलरी के साथ हमें मिल जाता है। फाइन, तो एक बहुत ही अच्छी चीज होती है बोनस के लिए। तो सेकंड हमारा जो बेनिफिट है इसमें, दैट इज अर्ली ज्वाइनिंग। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 80 प्लस होता है तो उनको ज्वाइनिंग जो है थोड़ी जल्दी मिल जाती है। बट कुछ ऐसा एकदम स्पेसिफिक नहीं है कि आपका 80 प्लस है तो आपको अर्ली ज्वाइनिंग मिल जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है जिनका पीआरए क्लियर नहीं हुआ था बट तब भी उनको अर्ली ज्वाइनिंग मिली थी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को 80 प्लस स्कोर करने पर उनको जल्दी ज्वाइनिंग मिली है। तो कुछ इससे स्पेसिफिक नहीं होता, सब कुछ टीसीएस के बिजनेस रिक्वायरमेंट पर होते हैं इसकी ज्वाइनिंग के बारे में। फाइन, तो ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट होता है। बेनिफिट नंबर थ्री जो होता है इसका, क्योंकि हम जब ज्वाइनिंग ले लेते हैं तब हमारी ट्रेनिंग्स होती है, तो ट्रेनिंग के टाइम पर भी इसका जो एग्जाम होता है बिल्कुल पीआरए जैसा ही होता है, वो भी हमें क्लियर करना मैंडेटरी होता है ट्रेनिंग के टाइम पर। बट हम अगर जब ट्रेनिंग के टाइम पर नहीं है, हमारी ज्वाइनिंग नहीं है, उस टाइम एक मैंडेटरी नहीं होता। बट जब हम ट्रेनिंग के टाइम पर जाते हैं वहां पर हमें उसके टेस्ट जो होते हैं उसको क्लियर करना मैंडेटरी हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, क्योंकि अगर हमें पहले से आइडिया रहेगा कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे करना है, तब हम इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए सक्षम रहेंगे और हम इसको क्लियर कर पाएंगे। तो ये सारे हो गए हमारे बेनिफिट्स जो कि पीआरए एग्जाम्स के होते हैं। फाइन, तो गाइस अब बात करते हैं कि टीसीएस का जो सिलेबस होता है पीआरए एग्जाम का वो क्या होता है। तो इसके पीआरए एग्जाम में 50 के एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं और 2 एसबीक्यू क्वेश्चंस आते हैं। तो 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस में हमारे यूनिक्स, यूआई यूएक्स, एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल, जावा या पाइथन बोल सकते हैं, और टीसीएस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो टीसीएस से रिलेटेड होते हैं। तो इतने जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं हमारे एमसीक्यूज में। इसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिस्ट दे दूंगा कि क्या सब्जेक्ट हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इसमें। फाइन, तो अब बात करते हैं एसबीक्यू के बारे में। तो एसबीक्यू में हमारे 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक होता है हमारा 15 नंबर का, एक होता है हमारा 35 नंबर का। तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बहुत ही बेसिक होते हैं, बहुत ही बेसिक चीजें इसमें पूछी जाती है। और 35 मार्क्स वाले क्वेश्चन में ऊप्स पे बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चन, जिसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई है जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन है और 35 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना दी है जिसमें मैंने 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में लगभग मैंने 10 वीडियो बनाए हैं और 35 वाले में लगभग मैंने 6 वीडियो बनाए हैं। तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्वेश्चंस होते हैं और इसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो बहुत ही बेसिक होता है, बहुत ही ईजी होता है। अगर आप एक वीडियो, दो वीडियो या एक दो क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे, अपने समझ लेंगे, तब आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा और अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। होते क्या है इसमें,
कि क्वेश्चंस लगभग लगभग सेम ही होता है सबका, बस कुछ थोड़ा सा लॉजिक जो होता है वहां पे बस वही चेंज होता है, बाकी पूरा जो सिलेबस होता है इसका, पूरा जो चीजें होती है वो लगभग लगभग सेम होती है। फाइन, तो ये बेसिक सा हमारा सिलेबस होता है इसके टीसीएस के प्यारे एग्जाम का। फाइन, तो गाइस अब बात करते हैं कि हमें टीसीएस इसके लिए कितने अटेम्प्ट देता है। तो अगर हम गूगल की माने तो गूगल पे हमें सिर्फ देखता है कि हमें सिर्फ 3 अटेम्प्ट मिलता है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, बट ऐसा नहीं है, हमें 3 से ज्यादा अटेम्प्ट मिलते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। टीसीएस जो है इसका एग्जाम लगभग 4 से 6 महीने तक करवाता है और हर महीने 2 एग्जाम होते हैं। बट कुछ टाइम के बाद टीसीएस क्या करता है, इसका जो अमाउंट होता है बोनस का वो कम कर देता है। उस समय क्या होता है कि अगर आपका 80+ आता है तब आपको सिर्फ 40,000 मिलेंगे, अगर आपका 55+ आता है तब आपको 20,000 का बोनस मिलेगा। फाइन, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी होता है, तो इसका सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितनी जल्दी इसको क्लियर कर सकें उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, उतना आपको ज्यादा बोनस मिलेगा। कि व्हाट इफ कि अगर आपका एक भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है तब क्या होगा, तो इसमें ऐसा प्रॉब्लम होने वाली जैसी बात नहीं है क्योंकि टीसीएस आपको ज्वाइन लेटर तो देगा ही देगा। फाइन, बट आपको वहां पर प्रॉब्लम होगी जब आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग में भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं टेस्ट में, तब वहां पर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बेटर यही है कि अगर आप अभी से प्रिपेयर करें इसके लिए, पीआरए क्लियर करें, उसके बाद ट्रेनिंग में आपको आराम से ये एग्जाम क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो ये बेसिक सी बातें थी जो मुझे आपके साथ और एडिशनली शेयर करनी थी। सो होपफुली ये वीडियो आपके काम करा होगा, अगर वीडियो आपके काम करा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।